जब हम काम करते हैं ना टेक्नोलॉजी के साथ, तो हम भी एक छोटे बच्चे हो जाते हैं, हमारे अंदर का भी बचपन जाग जाता है। चलो ऐसी एक छोटी सी कविता सुना देती हूँ। बच्चे हैं हम, बच्चे हैं हम, हमें बचपन की तलाश। बच्चे हैं हम, हमें बचपन की तलाश। बचपन चाहिए हमें, बचपन चाहिए, बचपन चाहिए हमें, बचपन चाहिए। काम की नहीं, काम की नहीं, नहीं नाम की तलाश। काम की नहीं, नहीं नाम की तलाश। अरे प्यारे प्यारे हम, प्यारे प्यारे हम, हमें प्यार की तलाश। तो नमस्ते मैम। तो टेक्नोशाला फाउंडेशन की ये डिजिटल टीचर की कहानी के चौथे एपिसोड में आपका, मैं अमर चिकले, तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज हम जानना चाहते हैं कि आपका नाम और आप आजकल कहाँ पे कार्यरत है, तथा आपके स्कूल का अनुभव कैसा रहा है, तथा आपकी जो शिक्षा रही है और आपकी पारिवारिक जो पृष्ठभूमि रही है, वो भी हम लोग थोड़ा सा जानना चाहते हैं। जी हाँ, अवश्य। मैं डॉक्टर चेतना उपाध्याय हूँ और इस वक्त डाइट मसूदा में सीनियर लेक्चरर के रूप में कार्यरत हूँ। वैसे मेरा जो जॉब रहा वो 26 साल का हो गया है। 21 साल एज ए लेक्चरर में रही गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल्स में, कई जगहों पे मैं रही हूँ, ट्रांसफर्स होते रहे। और उसके बाद जब मैं प्रिंसिपल बनी तो प्रिंसिपल के रूप में जो प्रमोशन मिला मुझे, वो फिर मैं सीधे डाइट में आई। तो 5 साल इस पद पर भी कार्यरत हो गया है। जन्म मेरा अजमेर का ही है, पर मेरी जो परवरिश हुई है वो MP रतलाम में हुई है, क्योंकि मेरे पापा मम्मी दोनों शिक्षा विभाग में ही थे, पर वो मध्य प्रदेश में थे। तो बचपन वही बीता, फिर मैंने वहीं से MSc चाइल्ड डेवलपमेंट से उज्जैन जाकर करी, महाकालेश्वर की नगरी से। फिर बस शादी के बाद अजमेर आ गए, तो PhD मैंने यही अजमेर राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही किया। तो आपका शिक्षा क्षेत्र का सफर कैसा रहा है, मतलब शुरुआती समय से हम अगर बात करें तो? जी, शुरुआती समय से ही बड़ा बहुत शानदार वाला सफर रहा मुझे। और मैंने महसूस किया कि ये जो नवीन पीढ़ी बहुत सीखना चाहती है, और नई सीखने वाली पीढ़ी भी है हमारे साथ में ही, तो यदि हम कुछ करना चाहते हैं तो कुछ प्रोग्रेसिव स्टूडेंट बहुत जल्दी हमसे जुड़ते हैं और हम काम करने में तेजी से। हालांकि एक जरूर महसूस किया मैंने कि जब हम काम करना चाहते हैं तो हमारे जो सहयोगी हैं या जिन्हें हम सहकर्मी कहें, उनका सहयोग बड़े मुश्किल से मिलता है। बहुत बाधाएं आती हैं उस कार्य में, पर जब कार्य कंप्लीट हो जाता है तो जो सुकून मिलता है वो उन बाधाओं का जो दर्द है, जो तकलीफ है, उसे दूर कर देता है। ऐसा ही एक अनुभव जो कहना चाहिए, जो टेक्नोलॉजी फील्ड में मैं आई हूँ, बहुत पुरानी बात थी, 99 के आसपास की बात मैं बता रही हूँ आपको। तब अजमेर जिला संपूर्ण साक्षर घोषित हुआ था। तो एक बार मैं बस से अप डाउन कर रही थी, तब कुछ लोग कह रहे थे कि शिक्षकों ने मात्र हस्ताक्षर करना सिखाया और कुछ नहीं पढ़ना लिखना सिखाया, उनको अक्षर ज्ञान तो है ही नहीं। तो वो चीज एक शिक्षक होने के नाते मुझे चुभ गई। हालांकि मैं उस वक्त लेक्चरर थी, मैंने वो कार्य किया नहीं था, पर मेरे पास अनुभव बचपन का था, स्कूल कॉलेज टाइम में जब हम NSS में थे, और ये जो साक्षरता का प्रोजेक्ट होता था तो मुश्किल आती थी कि पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि इस उम्र में उनके लिए रोजी रोटी का सवाल जो होता है वो ज्यादा अहम होता है, और पढ़ने के लिए समय निकालना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो उस वक्त मैंने देखा ये बात सही कह रहे हैं वो, पर हर घर में एंटीना लटक रहा था, इसका मतलब है हर घर में TV तो है, तो TV देखने का समय तो हर कोई निकालता ही है, तो क्यों ना यदि हम पढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह से पढ़ाएं कि टीवी पर देखते देखते वो लोग पढ़ जाएं, तो ये हमारी उपलब्धि होगी। बस ये विचार मन में आया और मैंने अपना सारा समय, फिर अपडाउन वाला जो समय था, उस लेखन को दिया। बहुत अच्छे स्क्रिप्ट लिखी और अक्षरों की फसल नाम से एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की। तो मेरा टेक्नोलॉजी वाला जो सफर था उस वक्त शुरू हुआ, जिस वक्त मुझे इसका ज्ञान भी नहीं था, सिर्फ एक इमेजिनेशन थी, थॉट प्रोसेस मेरे भीतर चलती रहती थी,
और मैं चाहती थी कि इस तरह से काम हो। मैंने शिक्षा विभाग को ये सारा प्लानिंग सौंप दिया था, पर उन्होंने कहे तो बहुत खर्चीला होगा, हम नहीं कर पाएंगे। पर मन में ऐसे लगा खर्चीला होगा तो क्या हुआ, करके तो देखूं। और हाँ, कुछ लोगों ने मुझे पागल शब्द से भी कहा कि आप तो ऐसी कल्पना कर रहे हो, ऐसे थोड़े हो सकता है, क्योंकि उस वक्त तो एंड्रॉइड फोन का जमाना भी नहीं था। पर मुझे लगा नहीं, मुझे अपने आप पर विश्वास था कि नहीं, मेरी कल्पना है वो सही दिशा में मैं कर पाऊंगी। और इसको क्या होगा कि जब वो निरीक्षक लोग टीवी पे देखेंगे तो पढ़ना लिखना बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, अक्षरों की समझ उनमें आ जाएगी। आओ हम खेतों में अक्षर लगाना सीखें। कृषि प्रधान इस देश में अक्षरों की फसल उगाना सीखें। जंगल में भेड़ें चरा कर उनसे पाते हैं ऊन, उल्लू वाले ऊके पीछे पूंछ लगाकर। आओ हम सब ऊन वाला ऊ बनाना सीखें। मैम, वो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बच्चों को तकनीकी चीजों के माध्यम से पढ़ाने में प्रेरित करती है? जी, वो सबसे बड़ी चीज है रोचकता और मनोरंजन। क्योंकि पढ़ाई जो क्लासरूम टीचिंग जो होती है ना, जो लेक्चर मेथड होती है, वो बड़ा बोरिंग होता है बच्चों के लिए। तो जो चीज हम पहुंचाना चाह रहे हैं वो सीधे सीधे उन तक नहीं पहुंच पाती। और ये जो तकनीक है, जहाँ पे दिख भी रहा है और सुनाई भी दे रहा है और एक हाव भाव भी है, तो बच्चे उससे बहुत जल्दी जुड़ते हैं। और जब आत्मसात जुड़ के करते हैं, इच्छा से करते हैं, तो उनके भीतर तक पहुंचता ही है वो। और ये प्रेरणा भी मुझे बच्चों ने, मतलब मेरे जो विद्यार्थी हैं, उन्होंने दी थी कि मैम आपने वो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी ना, आप ऐसे हमारे लिए भी बनाइए ना। तो फिर उनकी प्रेरणा से मैं दूसरी फील्ड में उतरी। ये भी मेरी 50 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनी, जो दूसरी वाली। इसमें मैंने इसकी जो प्रेरणा, वो भी मुझे कक्षा कक्ष से ही मिली थी, कि जब मैं 11th क्लास में 12th क्लास में जब पढ़ाती थी स्टूडेंट्स को, तो मैंने महसूस किया कि कुछ बच्चे इंटेलिजेंसी होने के बाद भी उतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाते, और कुछ बच्चे इंटेलिजेंसी भले कम हो, उनका यदि इंटरेस्ट है तो उनकी जो प्रोग्रेस होती है बहुत तेज गति से होती है, उनकी प्रोग्रेस की जो दर होती है वो बहुत तीव्र होती है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने सब्जेक्ट यदि सही चुना अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो उसकी प्रोग्रेस। बस ये विचार आया तो फिर ठीक है, बच्चों को ये सहायता देनी है। अब मैं 11th 12th में तो कुछ नहीं कर सकती, इसके लिए तो 10th के स्टूडेंट पकड़ने होंगे। और हमारा स्कूल सीनियर सेकेंडरी था, जहाँ सिर्फ 11th 12th ही हुआ करती थी, सारी फैकल्टीज थी वहां पे, 9th 10th के स्टूडेंट हमारे साथ नहीं थे। तो मैं उन तक कैसे पहुंचू? तो फिर ये विचार आया, बच्चों ने बताया कि मैम ऐसा क्यों नहीं करते, ऐसे डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं ना, फिर वो डॉक्यूमेंट्री हम ले जाके 10th के स्टूडेंट को दिखा देंगे, तो वो समझ जाएंगे कि हमें कौन सा सिलेक्ट करना है। तो मैम ये चीज बहुत अच्छी रहेगी फिर सबके। तो बस मैं इस फील्ड में आगे बच्चों की हेल्प मिली मुझे, आज मैं बहुत बच्चों तक पहुंच बना पा रही हूँ। जहां भी मुझे मौका मिलता है, जिस भी स्कूल में 10th के स्टूडेंट मिलते हैं, मैं तुरंत लैपटॉप खोल के बैठ जाती हूँ और वो पूरा गाइड करती हूँ, ताकि इससे क्या होता है, बच्चों की दिशा भी रहती है, दूसरा फायदा समाज को भी लाभ मिलता है कि समाज को भी एक अच्छे नागरिक मिल पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये कोरोना संकट काल में जब देखा कि हम बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहे, फिर हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर है इतना इंटीरियर में छोटे छोटे गाँव में है कि जहाँ पे नेटवर्किंग की भी प्रॉब्लम रहती है, तो वर्चुअल क्लासरूम भी उतने सक्सेस नहीं हो रहे थे। तो मैंने सोचा ठीक है, अपन घर पे ऐसा कुछ बना के करें, तो मैंने लेसन्स बना के यूट्यूब पे डालना शुरू कर दिया, तो वो से बच्चों तक बहुत अच्छी अप्रोच पहुंच गई। जब भी नेट मिला, जिस वक्त भी मिला, बच्चों ने खोला और देख लिया और समझ लिया। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि संकट में भी बच्चे इंजॉय कर रहे थे इस चीज को। और सबसे बड़ी चीज, फ्री होके, उन पर कोई ऐसा बंदिश नहीं थी कि अभी 1 घंटे का लेसन है तो अभी रुकना है, जब मर्जी खोल के देखो, जितनी बार खोल के देखो। तो ये टेक्नोलॉजी का फायदा तो मुझे मिला और मेरे बच्चों को मिला सबसे बड़ा। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि समस्याएं तो आती है, तो जब आपने पहली बार शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू किया, हाँ, तो आपके सामने कौन सी चुनौतियां खड़ी हुई थी? हाँ, इस टेक्नोलॉजी का जब शुरुआत की ना, तो देखिए मैं भी उम्र के उस पड़ाव पर हूँ कि तकनीकी ज्ञान जितना और लोगों को होता है, नवीन पीढ़ी को, उतना मुझे नहीं था।
आज भी बहुत सारी समस्याएं हैं, तो ये समस्याएं तो आती हैं, पर फिर वो यही होता है, कोई ना कोई सहायक रूप में मिल ही जाता है और फिर सहायता हो जाती है। यदि मन में जुनून हो तो सहायता कहीं ना कहीं से तो प्राप्त हो ही जाती है और हम कर लेते हैं इस काम को। तो ये तकनीक को जानना बहुत बड़ी चुनौती है। और मैम, आप स्वयं की टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या करती है आजकल? हाँ, मैं जो दूसरे टेक्निकल के जो सेक्शन होते हैं उनको देखती हूँ, यूट्यूब वगैरह पे देखती हूँ ना, और जो इस क्षेत्र में जानकार साथी मिलते हैं उनकी भी मदद लेकर मैं नया सीखने की कोशिश निरंतर करती रहती हूँ। राष्ट्रीय सम्मेलनों वगैरह में भी जाती हूँ, तो मैं नेचुरल हर जगह मुझे ऐसा अवसर मिल जाया कर रहा है जहाँ मुझे सीखने के अवसर हैं। पढ़ने का शौक है ही मुझे, मैं कई किताबें भी लिख चुकी हूँ, मेरी 7 किताबें आ चुकी हैं, तो ये पढ़ने पढ़ाने का जो शौक है ना, तकनीकों को समझने के लिए भी अवसर दे रहा है। ये दीक्षा ऐप पर जो ई कंटेंट तैयार हुआ था ना, वो मैंने सरकारी तौर पर हमारा डाइट के रूप में हमें ये काम करने का मौका मिला था, तो 6th क्लास की विज्ञान विषय पर काम किया था, पर वो टीम के साथ काम किया था, वो मेरा व्यक्तिगत काम नहीं था, उसमें मुझे टीम मिल गई थी पूरी। तो विज्ञान के जो कठिन बिंदु होते हैं उन पर हम लोगों ने एक कंटेंट तैयार करके रिपोर्ट रूप में डाला था। और मैम, आप जो आपके जैसे नए शिक्षक साथी हैं, उनको ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का नवाचार लेके अपना कार्य आरंभ करें? हाँ, मेरा यही संदेश है कि ये जो फील्ड है नई टेक्नोलॉजी वाला, बहुत खुशी और बहुत आत्मसंतुष्टि देने वाली है। ये वक्त भी चाहती है, जुनून भी चाहती है, पर जो आत्मसंतुष्टि होती है वो प्रबल होती है, कई 10 गुना ज्यादा प्राप्त होती है। और हमारे छात्रों को भी ये चीज का एहसास होता है कि हाँ, शिक्षक हमसे जुड़ा रहना चाह रहा है। बोले शिक्षक अपना एक फॉर्मल वर्क नहीं करके जा रहा, यदि शिक्षक फॉर्मल रूप में छात्रों के सामने आता है ना, तो बच्चे उतना रेस्पेक्ट उनको नहीं दे पाते, और जब उनको लगता है कि नहीं, पूरा समर्पित रूप में हमारे सामने आ रहा है, एक स्वतः छात्र और शिक्षक के मध्य का जो संबंध है वो बहुत स्थायी होता है, बहुत मजबूत होता है, उससे ज्ञान का जो प्रसार है वो भी बहुत तेज गति से होता है, बच्चों की जो प्रगति होती है वो भी तीव्र गति से होती है, क्योंकि बच्चे जिसको रेस्पेक्ट करते हैं उसकी बात वो बहुत आसानी से स्वीकारते हैं, और जिस टीचर के प्रति यदि रेस्पेक्ट कम होता है तो उनकी सही बात भी बच्चों के भीतर नहीं पहुंच पाता, ऐसा मैंने महसूस किया। तो शिक्षकों से सिर्फ यही निवेदन करूंगी कि जुनून के साथ इस क्षेत्र में आइए, थोड़ा सा सीखना पड़े तो सीख लीजिए, ये क्षेत्र सुकून देने वाला है। जमीनी स्तर पर कार्य करते हुए आपने शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी विशेष उपलब्धियां हासिल की है? इस पर मैं काम करती रही 12-15 साल, मुझे अपने विभाग से कोई अप्रिसिएशन या कोई अवार्ड कुछ भी नहीं मिला, ना मैंने उसकी कभी जरूरत महसूस की, मैं अपने फील्ड में अपने ही स्तर पर काम करती। पर हाँ, 2015 में जाते मुझे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एक बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, और उसके बाद ICT मेला जो NCERT की तरफ से होता है, जिसमें बच्चों के पढ़ाई से संबंधित एक्टिविटीज रखी जाती हैं, उसमें भी मैंने इस पे बिचाया, तो फिर मुझे वहां से भी अवार्ड मिला। और ये मैं लॉयंस क्लब के मंच से भी कर रही थी इस काम को, मतलब मैं तो अपने व्यक्तिगत तौर पे कर रही थी, वो लोग आए कि मैम ये काम अच्छा, आप हमारे साथ जुड़ के भी, हम आपको मंच प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे साथ करो, तो ठीक है उनके साथ भी करने लगी। तो इंटरनेशनल लेवल पर ये भी मुझे बहुत अच्छा रहा अवार्ड मिला कि आपने तन मन धन तीनों चीज लगाई, समय भी आपने लगाया, और आगे की प्रोसीजर भी कि प्रौढ़ व्यवस्थियों तक पहुंचने की वो भी मेरी खुद की रही थी, तो इसलिए वहां से भी मिला, ठीक है वही संतुष्टि है। और फिर वो विचार धीरे धीरे बच्चों की तरफ भी ले गए कि बच्चों के लिए भी ऐसा कुछ करूं। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारी इस मुलाकात का, साक्षात्कार का कविता से अगर इसका हम लोग ये करें, शिक्षा से लेकर कोई आपकी कविता हो तो। अच्छा, ज्यादातर तो शिक्षा ऐसा, मुझे पता नहीं था कि आप मुझे इस तरह का पूछ लेंगे, तो मैं कुछ प्लान करती, पर हाँ, जब हम काम करते हैं ना टेक्नोलॉजी के साथ, तो हम भी एक छोटे बच्चे हो जाते हैं, हमारे अंदर का भी बचपन जाग जाता है। चलो ऐसी एक छोटी सी कविता सुना देती हूँ।
बच्चे हैं हम हमें बचपन की तलाश, बच्चे हैं हम हमें बचपन की तलाश, बचपन चाहिए हमें बचपन चाहिए, बचपन चाहिए हमें बचपन चाहिए, काम की नहीं नहीं नाम की तलाश, काम की नहीं नहीं नाम की तलाश, अरे प्यारे प्यारे हम प्यारे प्यारे हम हमें प्यार की तलाश। मैं चाहती हूँ शिक्षकों के लिए भी कि जब हम बच्चों के साथ बच्चा बन के जुड़ते हैं तो हमको भी तो बच्चा बनने का, बच्चे बचपन को जीने का अवसर मिलता है, और शायद ये खुशकिस्मत है हम, वरना प्रौढ़ावस्था में बचपन को जीने का अवसर तो कभी होता ही नहीं है। तो एक शिक्षक बहुत ताकतवर एक कार्य है, एक ऐसी सेवा है जहां हमको बचपन जीने का अवसर मिलता है। तो मैं सभी शिक्षकों को यह कहूंगी कि इसमें मन से जुड़े। धन्यवाद मैम। आज के इस एपिसोड में हमने राजस्थान के अजमेर जिले के डायट में वरिष्ठ व्याख्याता के पद पर कार्यरत आदरणीय चेतना उपाध्याय मैम से उन्हीं के जवान हमने उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए कैसे सफल प्रयास किए यह कहानी हमने सुनी। आपको यह कहानी कैसे लगी? अगर पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। ऐसी कहानी देखने के लिए टेक्नोशाला फाउंडेशन के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास भी शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की ऐसी अगर कोई कहानी है तो हमें ईमेल करना ना भूलें। मिलते हैं अगले शनिवार दोपहर को 2 बजे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्ते। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।